हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये रोजगार समाचार है नवंबर लास्ट वीक का और इसमें देश भर में जो वैकेंसी है सरकारी क्षेत्रों में उसकी इन्फॉर्मेशन है और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से तैयार किया गया है। और आपको बता दूँ कि मैंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो पहली वैकेंसी आ रही है इंडियन नेवी से, यहाँ पर 400 पद हैं सेलर फॉर मैट्रिक रिक्रूटमेंट। ये अक्टूबर 2020 बैच के लिए है जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। योग्यता होनी चाहिए 10th पास और एज लिमिट तो आपका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में। इस दौरान आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 28 नवंबर, बहुत नज़दीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं जल्दी से जल्दी। एप्लीकेशन फ़ी 215 रुपये है जनरल और OBC के लिए और फ़ी नहीं लगेगा SC ST के लिए। और सैलरी बहुत बेहतरीन है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल चेक कर लेना। फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस से है, यहाँ पर 66 पद हैं अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 12th पास विद टाइपिंग या ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 18 से 27 साल। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड OBC और फ़ी नहीं लगेगा सभी कैटेगरी की वुमेन और SC ST PWD के लिए। सैलरी अच्छी खासी बताई जा रही। अगली भर्ती उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से है, यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी निकली है PRO, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, ये दो जगहों के लिए, कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या MBA या BE या BTEC, तो इनमें से कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेहतरीन सैलरी मिलेगी यहाँ पर। एज लिमिट है 21 से 28 साल और छूट है SC ST और OBC को 5 साल की एज लिमिट में। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 23 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 236 रुपये से लेकर 590 रुपये है प्लस 18% GST भी देना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें भर्ती होने के बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट देना पड़ेगा, तो करीब 35,400 रुपये से लेकर 94,400 रुपये के बीच में ये आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 साल का बॉन्ड होगा, अगर नौकरी छोड़ते हैं तो 3 लाख रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। लेकिन सैलरी बताई गई है कि बहुत बेहतरीन है। यूपी मेट्रो एक कॉरपोरेशन है, आप जानते ही हैं, और यूपी में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है उसको लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। अगली भर्ती वेस्ट बंगाल पुलिस से है, यहाँ पर 125 पद हैं स्टाफ ऑफिसर कम इंस्ट्रक्टर। योग्यता होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 20 से 39 साल। लास्ट डेट है 24 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी आप देखें 270 रुपये और सैलरी ठीक ठाक है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती CBSE से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर 357 पद हैं स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एनालिस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन या PG या BTEC या MSc या डिप्लोमा, कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। लास्ट डेट है 19 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, 1500 रुपये फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए और 800 रुपये फॉर ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए। सैलरी अच्छी खासी बताई गई है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से है यानी UPPCL, यहाँ पर 31 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सिविल के लिए। योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट है 26 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है और सैलरी आप देख रहे हो, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, MTS, लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद हैं। योग्यता होनी चाहिए 10th या 12th पास या ग्रेजुएशन या PG डिग्री। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। लास्ट डेट है 30 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये से लेकर 250 रुपये है और सैलरी बेहतरीन है, 1,12,000 तक सैलरी चली जाती है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से है यानी IOCL, यहाँ पर 40 पद हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट Class 4 के लिए और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए। योग्यता होनी चाहिए ITI या डिप्लोमा। एज लिमिट है 18 से 26 साल। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 29 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपये फॉर जनरल एंड OBC और फ़ी नहीं लगेगा दूसरों लोगों के लिए, ओके, रिजर्व कैटेगरी को। सैलरी बेहतरीन है, आप देख रहे हो, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट से है, यहाँ पर 3,678 पद हैं क्लास 4 PON ड्राइवर के लिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।
योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, एज लिमिट है 18 से 40 साल, लास्ट डेट है 17 दिसंबर, एप्लीकेशन फी 150 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC एंड अदर स्टेट के लिए, और 100 रुपये है SC ST और PWD के लिए। सैलरी मिलेगी 12,400 रुपये पर मंथ। फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, 1200 से ज़्यादा MCQ हैं, वो अब तक के नवंबर तक के वो आप देख सकते हो। तमाम एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना आप। अगली भर्ती इंडियन आर्मी से है, यहाँ पर FMAC BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 220 पद हैं फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस BSc नर्सिंग के लिए, और इसके लिए योग्यता मांगी गई है 10+2 विद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको BSc नर्सिंग करवाई जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा, उसके बाद फिर नर्सिंग जो उसमें है उसका काम करना होगा आपको। एज लिमिट की बात करें तो आपका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 2 दिसंबर। एप्लीकेशन फी 750 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और सैलरी बेहतरीन मिलती है यहाँ पर। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने 10+2 विद PCM किया हुआ है तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, बेहतरीन मौका है। अगली भर्ती रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आई डिजीज है, ये लखनऊ में। यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 1, लैब टेक्नीशियन MTD और लैब अटेंडेंट। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास या 12वीं पास या डिप्लोमा या डी फार्मा। एज लिमिट बात करें तो 27 साल है मैक्सिमम, लास्ट डेट है 3 दिसंबर। सैलरी अच्छी खासी है। फॉर्म लेकिन ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अगली भर्ती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT दिल्ली में है। 24 पद हैं, और कौन कौन से पद हैं ये सब देख लीजिए। पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट एंड टेक्निकल पोस्ट हैं कई सारे। और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या BTEC या PG या अदर्स। ओके, एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 20 दिसंबर। फी नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए, बहुत बेहतरीन बात है। और सैलरी अच्छी खासी है, बेहतरीन, आप देख रहे हो 1.25 लाख के आसपास, और फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। ओके, तो फॉर्म भर सकते हो फ्री में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली बात है गुवाहाटी हाईकोर्ट से, यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट के लिए वैकेंसी चल रही है। योग्यता होनी चाहिए BCA या BSc विद 1 ईयर PG डिप्लोमा या डिप्लोमा। एज लिमिट है 21 से 43 साल, लास्ट डेट है 5 दिसंबर। सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद बेहतरीन, 60,000 तक सैलरी चली जाती है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती इसरो से है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रतिष्ठित संस्था। यहाँ पर पद हैं टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट। योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा या BSc या ग्रेजुएशन या PG डिग्री। एज लिमिट है 18 से 35 साल, लास्ट डेट है 13 दिसंबर। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड OBC, और नो फी है SC ST और किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। और सैलरी बेहतरीन है, करीब 1.5 लाख तक सैलरी चली जाती है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से है, यानी UPSC। यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी चल रही है। योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या ओ लेवल। ओके, DOEC का एक सर्टिफिकेट होता है जो कोई भी प्राप्त कर सकता है एग्जामिनेशन देकर ऑनलाइन, तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है, लास्ट डेट 16 दिसंबर है। एप्लीकेशन फी 125 रुपये फॉर जनरल OBC और 65 रुपये SC ST के लिए। सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से है, यहाँ पर पद हैं 336। ये स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के लिए। इसके थ्रू आप SDM, SDO, DSP, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, तो कई तरह के पद हैं, नायब तहसीलदार वगैरह वगैरह, तो ये सब बन सकते हो। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन। देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 9 दिसंबर। एप्लीकेशन फी 750 रुपये से लेकर 2,000 रुपये, बहुत ज़्यादा बॉस। और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद बेहतरीन, आप देख रहे हो। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती भी मध्य प्रदेश में है,
यहाँ MPSC में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी सहायक संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास, इस पद के लिए भर्ती चल रही है। योग्यता अनुसूची BSc एग्रीकल्चर, इसके अलावा PG एग्रीकल्चर में। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 7 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 1250 रुपये से लेकर 2500 रुपये है, बहुत ज़्यादा बस। और सैलरी देख रहे हैं, बहुत अच्छी खासी है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती JNU में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भर्ती चल रही है सेक्शन ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट के लिए। योग्यता अनुसूची ग्रेजुएशन, एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स। लास्ट डेट है 9 दिसंबर। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है और फ़ी नहीं लगेगा SC ST और PWD के लिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को फ़ी नहीं लगेगा। और सैलरी देख रहे हैं 35,400 रुपये से लेकर 142,400 रुपये पर मंथ। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल से है। यहाँ पर GDS की भर्ती चल रही है, ग्रामीण डाक सेवक की। यहाँ पर 3,650 पद हैं। योग्यता चाहिए 10वीं पास विद मैथ्स एंड इंग्लिश। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल है। लास्ट डेट है 30 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है और फ़ी नहीं लगेगा फीमेल एंड SC ST और PWD के लिए। और सैलरी भर्ती होने के बाद 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो दोस्तों, रोजगार समाचार कैसा लगा? वैकेंसी कम थी फिर भी मैंने बताया और कुछ पुरानी वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। मैं इसलिए ये देता हूँ ताकि आपकी कोई वैकेंसी अगर भूल रहे हो तो आपको याद रहे, फॉर्म आप टाइम पे भर लो। और हर संडे की रात 8 बजे हम लोग ये वीडियो अपलोड करते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, 2018 और 2019 का जो MCQ है करंट अफेयर्स का, वो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओके, बाय।